टीमेक्स हो जो आई तो थी थर्ड पार्टी करने के लिए, बट अब एक खुद सैंडविच बन के रह चुके हैं। एक तरफ से टीमेक्स पाक वहां पे प्रेशर डाल रही है, दूसरी तरफ से यहां पे टीम सोल आ चुकी है एंड दिस इज नॉट लुकिंग गुड फॉर टीमेक्स। ओ फियर्स टीपीपी लेने की कोशिश, बट पोजीशन की रिवील हो जाएगी, जोन कहां जाएगा ऑलरेडी एक बहुत बड़ा हिस्सा पानी में। लुक एट दैट जोन, व्हाट अ शिफ्ट, क्रेजी शिफ्ट, क्रेजी शिफ्ट। एंड यहाँ पे वीरू पिकअप करेंगे सनाना को, पर वहां पे फियर्स पिकअप कर देंगे गिल को, एंड यहाँ पे गिल पिकअप करेंगे एक्सो के फियर्स को। मल्टीपल फाइट चल रहा है यहाँ पे, एंड गोब्लिन उड़ते कूदते आके एक्सो को पिकअप करेंगे। यहाँ पे इनके पास बहुत प्यारा अपॉर्चुनिटी है टीएक्स को थर्ड पार्टी करने का। गोम्लू मन अभी भी नॉक्ड है, पर इनको थोड़ी यहाँ पे यू नो केयरफुलनेस बरतनी होगी, बिकॉज ज्यादा अगर एग्रेस किया देन आपको पता है टीएक्स क्या चीज के काबिल है, बट नो सोल क्या चीज के काबिल है वो अक्षर बताएंगे। यहाँ पे पुष्पा और गोम्लू मन दोनों ही पिक्ड ऑफ है, पुश हमें करते हुए दिख रहे हैं ऑन फुट। यहाँ पे इनको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, जंप करते करते कूदते कूदते अपने मंजिल की तरफ जा रहे हैं। इंस्टेंटली पेन किलर पॉप करेंगे और मूव इन करेंगे, एंड ओमेगा वीरू बी डाउन, इट्स द फास्ट लास्ट गाय स्टैंडिंग, एंड विल वी सी अ टीएक्स वाइप कमिंग फ्रॉम द सोल स्वाइप। Well, this is going to be interesting. Best fight यहाँ पे मेरे ख्याल से अब शुरू होने वाली है। X-Pac के दो players यहाँ पे अभी भी बचे हुए हैं, गिल और पुष्पा, यानी गिल और मवी के सामने सोल के चार players, तीन players एक तरफ से अटैक कर रहे हैं और एक player ऊपर से कवर देने की कोशिश कर रहे हैं, बट यहाँ पे मोलोटोव का बहुत ज्यादा बरसात आपको होते हुए नजर आ जाएगी। ओमेगा वुड रश इन, एंड हियर यू गो टीम सोल, एक शानदार, मैं इसको थर्ड पार्टी नहीं कहूंगा तक भाई, मैं कहूंगा फिफ्थ पार्टी करके टीम्स को खत्म करा, और चार फिनिशर्स निकाले टीम सोल ने। बहुत बहुत शानदार गेम प्ले, देखिए they are showing a different game altogether. Meanwhile, Soul is pushing on SG and SG ke pukar ko unhone pick up kiya. Gamla Boy is the next target for Omega. Omega is angry. Omega is on a roll. Soul might want to just make something good out of this game. I think Soul बस इतना चाहता है कि chaos यहाँ पे चलता रहे, जो aggression है वो रुके ना, और zone कहाँ जाएगा ये भी एक बड़ा factor है। Oh boy, look at the zone. आज zone ने ठान लिया है कि जहाँ player हैं वहाँ हम नहीं जाने वाले, and अभी के लिए TSG Krish, I don't know why, I think he's going to get a lot of value out of it because वो पानी के अंदर है। Goblin revive होंगे या नहीं, यहाँ पे ओमेगा के पास भरपूर utilities तो है, utilities का कैसा use होता है, RG क्या bow down करती है, yes! 7C is somehow trying to come into the party and make things easier for Soul. Goblin, I think, वहाँ पे revive हो जाएंगे, Omega, Akshat, Goblin, player 3 are surviving, Mr. Stray eliminate हो गए, यहाँ पे Reckoning is going for the gutsy move, Omega को spot करके, I think Abrar के पास यहाँ पे benefit है Omega को spot करने का, but now it's a full on push coming for Team Soul, Kirito को वहाँ पे pick off करेंगे, वहाँ पे Abrar को भी pick off करेंगे, and Soul player 3 is on a roll, Omega pick off हो चुके हैं, जो I think शायद revive हो जाएंगे, 8 kills, 4 players still standing, एक player knocked है, देखते हैं 7C यहाँ पे game को क्या difference ला सकती है, because 7C यहाँ पे वो होता है वो team जो खेल भी रही है, हम इतने बात नहीं कर रहे उनके बारे में, but they could be the team that ends up with the most advantageous position. जी हाँ, पोजीशन उनकी काफी अच्छी है, देखिए जोन उनके पास है, प्लेयर्स बहुत ज्यादा स्प्लिट हैं, ये टेरेन का ही खेल है बिल्कुल, देखते हैं इस टेरेन को कैसे वो काबू कर पाते हैं। टीम सोल भी यहाँ पे जोन के अंदर आना चाहती है, बट अभी के लिए उनकी प्रॉब्लम ये है कि एक तरफ स्काइलर्स गेमिंग है, दूसरी तरफ वहाँ पे रेकनिंग है, सामने टीम 7C है और जोन के अंदर जाना मुश्किल है। ओमेगा पर फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रहे, फिफ्थ प्लेयर यहाँ पे जो स्काइलर्स गेमिंग थे उनको नॉक करा जाता है, और स्काइलर्स गेमिंग अब सिर्फ एक प्लेयर साथ है, गाड़ी में से गिराया जा सकता है वहाँ पे प्लेयर को, मेरे ख्याल से स्प्रे करने की कोशिश करी जा रही है वहाँ पे। सोल अक्षत बहुत बेयरली एक HP पे बचे हुए हैं, बट टीम सोल अटैक करते हुए, देखते हैं क्या वो स्काइलर्स गेमिंग को रिवाइव होने, उनके प्लेयर को रिवाइव होने से पहले उन पे हमला कर पाएगी, दैट इज गोइंग टू बी अ बिग क्वेश्चन। प्लेयर 3, दे हैव टू बी केयरफुल यहाँ पे अटैक करने की कोशिश, पर गमला बॉय कवर, देखिए वहाँ पे बेहतरीन तरीके से ओमेगा का कवर आता है, गोब्लिन का कवर आता है, और शानदार तरीके से टीम सोल खत्म करती है एक और टीम को, तीन टीमें, नो प्लेयर, फाइनल फ्यू सर्कल्स, टीम 7C के पास जोन का एडवांटेज। बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पे हम आ चुके हैं 4v4v1 के सिचुएशन में, जहाँ पे 7C सोल और रेकनिंग के एक प्लेयर, 7C सारंग रेकनिंग के प्लेयर को स्पॉट कर चुके हैं, सोल को फिलहाल कोई आइडिया नहीं है बिल्कुल कि 7C के प्लेयर किधर है, वो बहुत प्यारा स्प्लिट ले रखे हैं, डेफिनेटली मैक्सी ओपी के लिए सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, सारंग उनको कंटिन्यूसली पिन कर चुके हैं 4v4v1 के सिचुएशन में। वी आर एट डाउन टू अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम, पर वहां पे डैमेज कर दिया मैक्सी ने, वहां पे अक्षत गोस डाउन, दिस पुट 7C इन अ ह्यूज एडवांटेज, क्या वो इनको यहीं पे यूटिलाइज करना चाहेंगे या वो थोड़ा केयरफुल रहना चाहेंगे, बिकॉज यहां पे उनको पता है 4v4 इट्स नॉट ऑलवेज इजी, 7C फिलहाल सोल को बिल्कुल घेर चुके हैं, आप देखिए किस तरह से इन लोग पिन कर चुके हैं, पर इट डिपेंड्स क्या सोल कंटिन्यूसली एक एंड पे रोटेट करते जाएंगे, मल्टीपल नेड जा रहे हैं, नेड से नॉक्स हो सकते हैं, यहां पे एक प्लेयर पिकअप हो सकते हैं, सारंग ने बिल्कुल प्यारे तरीके से स्पॉट किया, जिगल हुआ, बट इट्स सोल प्लेयर 3 हु एंड्स अप एट एडवांटेज पोजीशन, इट्स नाउ डाउन टू अ 4v3 सिचुएशन, वी हैव 4 प्लेयर्स ऑन टीम सोल, 3 प्लेयर्स ऑन टीम 7C गोइंग ऑन, यहां पे एक बहुत ही प्यारा
प्रे आते हुए रंजित को पिक ऑफ करेंगे। 4v2 का सिचुएशन तेरा किल सोल के पास है। क्या यहाँ पे हमें 30 पॉइंट का कमबैक देखने को मिलेगा 7c के न्यू प्लेयर का, बहुत प्यारा नेट कुक, बट यहाँ पे मल्टीपल लॉक्स हमें देखने को मिल रहे हैं एंड न्यू प्लेयर की तरफ से बहुत प्यारा सिचुएशन डाउन टू अ 2v2 सिचुएशन। आई हैवंट सीन अ गेम सो इंटेंस। न्यू प्लेयर और ललिसा पे बिल पूरा का पूरा भार आते हुए ओमेगा और सोल प्लेयर 3 क्या बचा पाएंगे यहाँ पे टीम सोल को, या यहाँ पे ये नेट भारी पड़ेगा। यहाँ पे अक्षत रिवाइव देने की कोशिश कर रहे हैं सोल प्लेयर 3 को एंड द नेट कम्स इन एंड नाउ इट ऑल कम्स डाउन टू द यूज ऑफ यूटिलिटीज एंड दैट्स ओमेगा आल्सो गोइंग डाउन। Will we see an upset coming in from 7C who have played this game brilliantly, or will Akshat be able to clutch and redeem himself? No, he might not be able to do that. Takes down one. Will he to take down the other one? Now it's all down to 7C new player. जिसको जिसके पास टीपी एडवांटेज है, बट वो टीपी एडवांटेज यहाँ पे लॉस्ट हो चुके हैं। देयर ऑलमोस्ट इक्वल हेल्थ फाइट। 7C प्लेयर चार्जिंग इन, क्या वो ललिसा को यहाँ पे रिवाइव देंगे या यहाँ पे रिवाइव का गेम होना है? यस, इट्स अ गेम ऑफ रिवाइव एंड यहाँ पे एक बार और रिवाइव देने की कोशिश एंड इट्स 7C कमिंग अप विद दैट अमेजिंग हार्ड फॉट वेल फॉट चिकन डिनर। व्हाट अ गेम कमिंग इन फ्रॉम अक्षत। What a match that was! Team Soul versus 7C. What a battle! 4v4 की एक amazing battle. I mean, this is just bonkers. जो यहाँ पे था invitational.